और इम्पोर्टेंट ये, मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब में ऐसा कोई दूसरा वीडियो अब तक बना है। पहला वीडियो है जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बताया है कि आपका नैंड होता है आईफोन में और MMC, MMCP और UFS होता है एंड्रॉयड में। हम दोनों को स्पेंड कर सकते हैं, बट इसको हम रैम भी स्पेंड कर सकते हैं या रोम ही स्पेंड होगी खाली आईफोन में, और एंड्रॉयड में रैम और रोम दोनों स्पेंड हो सकती है, पर कंपेटेबिलिटी ऐसी मिलना चाहिए। और दूसरी बहुत सारी बात बताई कि हम अगर नैंड से डाटा नहीं निकाल सकते, अगर उसको डाटा निकालना है क्योंकि इसके अंदर खाली बूट फाइल होती है, ACL, मैक एड्रेस, तो इसके अंदर डाटा निकालना है तो स्वैपिंग करनी पड़ेगी। सेम इस केस में भी अभी आज के जितने भी फोन है अगर डाटा निकालना है तो स्वैपिंग ही करनी पड़ेगी, पर यहाँ पर CPU MMC है, यहाँ पर CPU BB CPU, आपकी EEPROM IC आएँ और NFC, और अगर पूरा सेट चालू करना है तो ये सारी ICO को आपको स्वैप करना पड़ेगा। और मैंने बताया टाइप, मैंने बताया फुल फॉर्म, मैंने बताया ईच एंड एवरीथिंग। कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर, और लाइक सब्सक्राइब और इस वीडियो को दोस्तों प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी डिटेलिंग दी है यार, बहुत सारे भाइयों का फ़ायदा हो जाएगा, बहुत सारे नए बेचारे जो स्टूडेंट हैं जो जानकारी लेना चाहते हैं, जुटाना चाहते हैं, जिनको नहीं मिल पा रहा है कहीं यूट्यूब में ज्ञान, उनको ये वीडियो से बहुत सारा ज्ञान मिलेगा कि आखिर में ये MMC क्या है यार, MMC क्या होती है, ये कि हम अपने फ़ोन का डाटा निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते, हम अपना आईफोन का डाटा कैसे निकालें, हमें एंड्रॉयड का डाटा कैसे निकालें, क्या पॉसिबल है या नहीं। क्या पता किसी भाई ने ये किसी दुकान वाले को दिया हो, घुमा रहा है उसे पैसे ले रहा है और कुछ आगे हुआ नहीं। सो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए और आप जैसे भाइयों के लिए, तो उसको शेयर करो और लाइक जरूर कर दे। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं। हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवदन अग्रवाल, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप आपके घर में भी सब लोग बहुत अच्छे हों और आपके काम बहुत अच्छे से चल रहे हों। और दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो ज्वाइन करो मोबाइल ट्रेनिंग को। आज की मोबाइल रिपेयरिंग जो मार्केट है वो काफ़ी बूम है, एक जॉब ओरिएंटेड मार्केट है। यहाँ मैं पहले भी बोल रहा हूँ, यहाँ आपको किसी की जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना खुद का व्यापार कर सकते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से सीखेंगे और अगर आपके पास में पैसे हैं तो मार्केट में अपने थोड़े से टूल्स के साथ में, और ताकि इसको बिज़नेस को फ्लो किया जा सके, तो आप मार्केट में काफ़ी अच्छा पैसा और नाम कमा सकते हैं। बट बस साथ एक कंडीशन होनी चाहिए कि देखिए, ये जॉब एक टेक्निकल स्किल पे निर्भर है, जो कि एक बार में नहीं आता, एक दिन में, एक महीने में, या ये स्किल है आपकी प्रैक्टिस पे। आप जितना इसको प्रैक्टिस से अपना समय देंगे उतना ही आप अनुभवी होंगे। तो चलिए ये दोस्तों, ये बात रही यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग के लिए। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और हमारे नंबर 12 बजे से 5 बजे के बीच पे काइंडली कॉल करें। और अगर आपको कॉल नहीं लग रहे हैं तो आप रात में भी कॉल कर सकते हैं, बट कोशिश करें 12 और 5 बजे के बीच में कॉल करें और जल्द से जल्द अपना एडमिशन कराएं। और अगर आपको डेली लाइव क्लासेस देखनी है, देखना है कि सर टेलीकॉम कैसे पढ़ाता है, तो आप फेसबुक में आकर हमें लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक में टाइप करें सर टेलीकॉम और वहाँ पर जाकर डेली क्लासेस को ज्वाइन करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट के मुझे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स में से कुछ कमेंट मैंने पिकअप किए हैं, जिसमें से कुछ स्टूडेंट ने मुझे पूछा है कि सर नैंड क्या होती है, और ये आईफोन जो एंड्रॉयड का जो उसके अंदर MMC या EMC या क्या होता है ये सारी चीज़ें, और इन दोनों में क्या अंतर है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न भी बना हुआ है कि अभी हम आईफोन सीखें या एंड्रॉयड सीखें या कौन सी चीज़ सीखें। तो मैं आज आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ दोस्तों, पूरी क्लास नहीं, क्योंकि एक वीडियो में तो पूरी क्लास कोई भी नहीं दे सकता। तो बट आपको मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, इस इन्फॉर्मेशन का आपको जानना बहुत जरूरी है। कोई भी कोर्स करने से पहले अगर आपको उसका बेस पता हो या बेसिक इन्फॉर्मेशन पता हो, तो मुझे लगता है कि वो कोर्स करने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है और ईजी भी हो जाता है। तो अगर बात करूँ आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि एंड्रॉयड में जो स्टोरेज होती हैं या जो प्रोग्रामिंग चिप होती हैं उनको क्या कहते हैं, उनके बेसिकली क्या टूल्स हैं, छोटी छोटी बातें, और उनकी सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी हम करेंगे आईफोन के प्रोग्रामिंग चिप के साथ। सो दोनों प्रोग्रामिंग चिप को समझ सकते हैं कि किसको हम बेसिकली जैसे
जैसे बहुत सारे लोग सर डाटा रिकवरी कर दो सर, इस फोन की डाटा ये टूट गया है सर, क्या हर फोन का डाटा रिकवरी पॉसिबल है? तो ये सारी चीजें इस वीडियो में आप लोगों को, पर दोस्तों एक कंडीशन एक और है कि वीडियो को पूरा सुनना पड़ेगा एक एक पॉइंट, और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, हो सकता है कि ये चीजें आप सुनने के बाद एक घंटे बाद भूल जाओ। सो अच्छा होगा नोट्स बनाते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, और नोट्स बनाने के बाद जब एक बार लिखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि दूसरी बार आपसे कोई पूछेगा तो आप बिना नोट्स देखे ही बता दोगे उसको, आई थिंक ये हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आईफोन और एंड्रॉयड में, दोनों में ही चिप प्रोग्राम होती है दोस्तों, प्रोग्रामिंग चिप लगाई जाती है जिसको फ्लैश मेमोरी कहते हैं। अगर मैं बात करूं, आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है जिनने पहली बार सुना है तो वो बता देता हूं, जिन्होंने सुना है तो वो मैच करें। दोस्तों जो आईफोन होते हैं बेसिकली उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग चिप होती है वो होती है जिसको हम बोलते हैं स्लैंग भाषा में हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क कहा जाता है। देखिए आप इस तरह से आपको दिख रही होगी, इसी चीज़ को टेक्निकली लैंग्वेज जो यूज़ किए हैं उनको कहते हैं नैंड। नैंड का फुल फॉर्म होता है नॉट एंड, बेसिकली ये दो लॉजिक गेट से मिलकर बनी होती है, एक एंड गेट और एक नॉट गेट। सो बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने बोला टेक्निकली चीज़ें समझने के लिए क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा, पर बेसिक चीज़ों को तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ एक साधारण भाषा में। अगर दोस्तों मैं बात करूं, यहाँ पर आपने नाम सुना कि हमारे जो आईफोन्स होते हैं उसमें जो अच्छी प्रोग्राम होती है उसको बोलते हैं नैंड या हार्ड डिस्क कह सकते हैं। हार्ड डिस्क एक कॉमन नेम है, भाई इसके हार्ड डिस्क बना दो, भाई इसके हार्ड डिस्क बना दो। ज़्यादातर जो दुकान होते हैं, दुकान के डीलर्स होते हैं या दुकान वाले मैकेनिक होते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं, वो जनरली इसको हार्ड डिस्क बुलाते हैं, बट अगर टेक्निकली साउंड करेंगे तो उसको हम नैंड बोलेंगे। बट अगर हम दोस्तों बात करें आईफोन 6s से लेकर उसे बाद तक की नैंड को, एक पर्टिकुलर जैसे एक स्पेसिफाइड नेम होता है वो होता है PCIe, जिसको बोलते हैं पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड एक्सप्रेस। दोस्तों आपने इसका नाम समझा होगा, इसकी मीनिंग समझाता हूँ। इसका मतलब ये होता है इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड एक्सप्रेस का मतलब ये होता है कि एक हार्ड डिस्क के साथ जो आपके एक आपकी जो टोटल ड्राइव होती है, जो आपका पीसी मैनुअल हो गया या आपके कोई भी मोबाइल सिस्टम कुछ भी, उसके साथ में ग्राफिक्स कार्ड यूज़ होना है या एक्सपेंशन कार्ड या साउंड कार्ड या कोई सा भी कार्ड, उसका एक ग्राफ आपके हार्ड डिस्क के साथ का कनेक्शन को बेसिकली कहा जाता है PCIe। सो एक एडवांस फॉर्म इसको कह सकते हैं, जैसे नॉर्मली आप हार्ड डिस्क या SSD होता है तो यही एक एडवांस फॉर्म है, इसको आप ये समझ सकते हैं। और भी बहुत डिटेलिंग जैसे मैंने बोला है उसके लिए क्लास आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पर ये बेसिक है। सो जैसे अगर मैं आईफोन 6 की बात करूँ तो आईफोन 6 में हम नैंड बोल सकते हैं, पर PCIe हम बोलेंगे आईफोन 6s के बाद के आने वाले जितने भी नैंड या जितने भी हार्ड डिस्क होते हैं उनको। सो ये तो आप समझ गए होंगे, ये छोटी सी बात है। अब मैं बात करना चाहता हूँ एंड्रॉयड की। पहले मैं इन दोनों के चिपों के नाम बता दूँ, उसके बाद फिर अपन एक एक पॉइंट उठाएंगे और एक एक पॉइंट को अपन तुलनात्मक अपन मिलाएंगे और सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज देखेंगे। सबसे पहली बात करते हैं एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड में आती जो चिप प्रोग्राम उसको कहते हैं EMMC, EMCP और अभी जो लेटेस्ट आ रही है उनको कहते हैं UFS। सो EMMC का मतलब होता है एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड, और EMCP का मतलब होता है एम्बेडेड मल्टीमीडिया चिप पैकेज। तो आपने नाम सुना होगा चिप पैकेज, देखो वो एक कार्ड हो गया, मतलब एक नॉर्मल एक चीज़, और एक हो गया पैकेज। पैकेज मतलब दो चीज़ों से मिलकर पैकेज बनता है। सो आपने ये फॉर्म तो सुने होंगे, रोम एंड आपके रैम। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी और रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो आपके फ़ोन होते हैं या जो कंप्यूटर्स होते हैं लैपटॉप होते हैं उसके अंदर जो स्टोरेज होती है उसको हम रोम बोलते हैं, और रैम बेसिकली आपके कंप्यूटर को जो आपका क्लॉक स्पीड होती है उसको स्मूथली वर्क कराने के लिए यूज़ होती है। जितना ज़्यादा आपका रैम होगा आपकी क्लॉक स्पीड उतनी स्मूथली वर्क करेगी, जितने ज़्यादा ऐप आप खोलेंगे उतना ही ज़्यादा आपका बेटर काम होगा। ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी, बहुत सारी टेक्निकल वीडियोज़ में देखी होगी। हालांकि मैंने रैम पर एक बहुत ही टेक्निकल वीडियो बहुत पहले बनाया था, 2-2.5 साल पहले, आप चाहे तो वीडियो लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं इज़ टेलीकॉम के। दोस्तों अगर मैं बात करूं ये इतने सारे फॉर्म क्यों आए, क्या रीज़न पड़ा, क्योंकि क्योंकि टाइम टू टाइम ना मोबाइल अपडेट होते गए। सबसे पहले ऐसे मोबाइल आए जिसके अंदर अगर हम बात करें EMMC आए। EMMC मतलब एम्बेडेड एक कार्ड, मल्टीमीडिया कार्ड, मतलब वो एक सिर्फ स्टोरेज है। आप 16 GB का ले लो, 8 GB का ले लो या 32 GB का ले लो, बट अब उसके बाद पैकेज आने लगे। पैकेज का मतलब कि एक रोम एक रैम दोनों को मिलाकर मतलब एक पैकेज बन गया है। जैसे अगर हम बात करें BJ221254, ये पैकेज होते हैं, इसके अंदर रैम भी होती है और इसकी रोम भी होती है, मतलब एक स्टोरेज मेमोरी होती है जिसको आप कमांड डाटा क्लॉक और आपके जो वोल्टेज होते हैं VCC VCC की उसे आप इसको रन और डिटेक्ट करते हैं, और बाकी जो जो DQ आपने नाम सुने CQ and DQ, सो ये सारे इसके रैम के पार्ट होते हैं जो कि आपके CPU के साथ कनेक्टेड होते हैं ताकि आपका फोन प्रोसेस कर सके।
तो और UFS की बात करें तो UFS तो दोस्तों एक अपग्रेड लेवल हो गया, जैसे कि मैं आपको जैसे कि आपको पता ही होगा कि हर एक स्पीड जैसे बोलते हैं ना, जैसे सिंगल वायर कम्युनिकेशन, डबल वायर कम्युनिकेशन, फोर वायर कम्युनिकेशन, वैसे ही एक डबल स्पीड राइड करने के लिए, ताकि जैसे आपका कम समय में ज़्यादा काम हो जाए, कम वोल्टेज पे काम हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए UFS बहुत स्पैंड मेमोरी कर सके, तो ये इसके लिए UFS बनाया है जो अभी लेटेस्ट फ़ोनों में आ रहे हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें समझी होंगी कि अभी फिलहाल पहला पॉइंट ये बनता है, आईफोन में चिप प्रोग्राम को कहते हैं NAND और PCIe, सिस के ऊपर PCIe और हार्ड डिस्क को एक कॉमन वर्ड में डाला गया है। बट अगर मैं बात करूं एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड में कहते हैं MMC जो उससे भी एक आपकी रोम है, फिर EMCP जो रोम प्लस रैम दोनों हैं, और UFS। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि इसके अंदर आने वाले BGA, आपने हो सकता है थोड़ा बहुत सर्च कर रहे हो इंटरेस्ट के कारण, या आप नई फील्ड से इस फील्ड में आना चाहते हैं, या आप थोड़ा बहुत काम कर रहे हो। BGA आपने देखा होगा ना, BGA वर्ड होता है BGA 221, BGA 254, ये क्या होता है दोस्तों? इसका नाम होता है बॉल ग्रिड एरे, मतलब एक BGA में कितनी बॉल। तो अगर मैं सिर्फ MMC की बात करूँ तो MMC में पहला BGA, अगर बहुत सारे BGA, मैं बहुत सारे BGA तो नहीं यहाँ पे ले सकता, बट मैं यहाँ पे मेन कॉमन BGA बता देता हूँ आने वाले, जैसे 18 BGA 186, इसका मतलब इसके अंदर 186 बॉल है, BGA 153, BGA 221 और BGA 254 जो कि एक लेटेस्ट है, उसके बाद भी एक BGA आ रहा है जो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, पर इंडिया के बाहर की कंट्री में लॉन्च हो चुका है। बट अभी बात करते हैं BGA 254, ये एक रोम भी है एक रैम भी है, और बात करते हैं BGA 221, ये एक रोम भी है एक रैम भी है, इसलिए इसका नाम MMC नहीं हुआ, EMCP हो गया क्योंकि पैकेज हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं ये एक आपका यहाँ पर ये NAND है, तो NAND में दोस्तों BGA होता है, जैसे आईफोन 6 में जो BGA आ जाता है वो आईफोन BGA 60, क्योंकि इसके अंदर 60 बॉल्स होते हैं। BGA 70 आईफोन 6S के बाद 7 में आ गया, और उसके बाद 8 से लेकर जो 11 प्रो तक आया वो BGA 110, तो इस तरह का आपका 110 दिखता है जिसके अंदर 110 बॉल है। सो इसलिए इसका नाम BGA हम रखते हैं, कोई स्पेसिफाई ऐसा नहीं है, सिर्फ कितने बॉल उतने BGA, ऑब्वियस बॉल ग्रिड एरे मतलब कितने बॉल। तो ये हो गए दूसरी बात। अब हम बात करते हैं तीसरी, कि इन दोनों में सबसे पहला इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, किसको एक्सपेंड किया जा सकता है, और दूसरा कि किससे डाटा निकाला जा सकता है। कस्टमर जैसे चाहते हैं ना, सर इसका डाटा रिकवरी हो जाएगा क्या, सर इस फोन का डाटा निकल जाएगा, कितने लोग मैसेज करते हैं, कितने सारे लोग पूछते हैं कि सर इस फोन का डाटा निकल जाएगा। चलो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर आपके फ़ोन टूटता है तो किन फोनों का डाटा निकलता है, तो वो भी कैसे निकलता है, ये सारी चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी डिटेलिंग नॉलेज दी है, और बहुत कुछ सीखना है तो क्लासेस भी ज्वाइन करना, क्योंकि इससे नेक्स्ट लेवल पे आपको क्लासेस मिलेंगी जो आप सोच नहीं सकते। दोस्तों मैं अब बात करता हूँ कि एक्सपेंड की, कितना एक्सपेंड किया जा सके उसका एक्सपेंशन, बेसिकली एक BGA का एक्सपेंशन कितना है, क्या हम आईफोन में, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्सपेंड कि कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं 16 GB का लगाया तो क्या मैं 32 GB का कर सकता हूँ? जी हाँ, आईफोन में आप कितने भी जो BGA होते हैं, आप जितने भी BGA, जितने भी NAND होते हैं, उन सबको आप इंक्रीज कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो, बट ये आपके पास में इजीली मार्केट में मिलना भी चाहिए, जो कि मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये ज़्यादातर 512 GB तक आपको मार्केट में मिल सकती है, पर मार्केट में 1 TB तक ढूंढना, ये क्योंकि मार्केट में कहीं होती है कहीं नहीं होती है, बट 1 TB को भी सपोर्टेबल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि 512 मिल रही है तो क्या वो सपोर्ट करेगा, कहीं ऐसा नहीं है कि लगाने के बाद में फ़ोन आपका चालू हो, स्लो हो जाए, या कुछ भी, या फिर चालू ही ना हो, तो ये सारी चीज़ें भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर मैं बात करूँ आईफोन में, हाँ स्पेंड कर सकते हैं, बट आईफोन में और एंड्रॉयड में एक चीज़ जो मैंने आपको बताया कि आईफोन रोम और रैम दोनों से बना हुआ, पर एंड्रॉयड का जो आपका NAND है वो सिर्फ रोम है दोस्तों, रैम नहीं है। अगर आईफोन की बात करेंगे तो उसका रैम आपके CPU के ऊपर लगा होता है, जिसको हम ड्यूल डेकर या सैंडविच CPU कहते हैं। बेसिकली ये एक रैम और CPU का कॉम्बिनेशन होता है। सो आप देख सकते हैं, अब जैसे ये आईफोन 6S है, वैसे ही आप ये आईफोन आप 10 देखेंगे, A10 या A11, सो इसके अंदर आपको है ना ऊपर ऐसा लेयर नहीं दिख रही हो, क्योंकि इसको है ना जोड़ कर बनाया गया है, और इसके में पेस्ट लगाया गया है, बेसिकली ये पूरा पेस्टेड है, तो इसको काट के निकालना होता है। सो लगा CPU के ऊपर ही होता है, जितने भी अभी CPU आ रहे हैं A15 या जो भी नया CPU अभी लॉन्च होगा उसके बाद, उसमें भी आपका रैम उसके ऊपर लगाया हुआ है। तो मतलब ये समझें कि जो है हमारे पास आईफोन में NAND, वो केवल रोम है, वो केवल स्टोरेज है, उसमें NAND नहीं है, तो वो पैकेज नहीं है, बट यहाँ पर पैकेज भी है एंड्रॉयड की बात करूँ तो।
सो दोस्तों आईफोन में हम एक्सपेंड कर सकते हैं और बहुत इजी है ये, थोड़ा बहुत तरीका भी बताऊंगा भूल के, हालांकि अभी तो क्लास आओगे तो प्रैक्टिकली कर लोगे, बहुत ज़्यादा आसान है। और मैं ये चीज़ तो मैं एंड्रॉयड में फ्री क्लास देता हूँ एक पूरे अपने क्लास के बच्चों को कि नैंड को प्रोग्रामिंग कैसे करें, तो प्रैक्टिकली उनको 11 प्रो मैक्स तक का पूरा बताता हूँ। चलिए ठीक है, अगर मैं बात करूँगा एंड्रॉयड में क्या स्पेंड कर सकते हैं, बिल्कुल स्पेंड कर सकते हैं एंड्रॉयड में, पर दिक्कत ये होती है कंपेटिबिलिटी ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एंड्रॉयड में ना MNC ICR ऐसे नहीं है कि कोई सी भी बोर्ड की उठा के लगा दी, सैमसंग है तो SKNIS लगा दी, ये सब कंपनियों के नाम होते हैं, इसमें भी सैमसंग SKNIS टोसीबा ये सारी कंपनियाँ होती हैं जो आपकी हार्ड डिस्क बनाती है, जो आपकी स्टोरेज बनाती है, जो कि रोम बनाती है। सो बेसिकली ये सारी जो कंपनियाँ हैं ये ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपनी को किसी के साथ बदल दिया, आपको इसके कंपेटिबिलिटी नंबर चेक करने पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम क्लास में सिखाते हैं। सो पहले तो हो गया, हम मिल जाती हैं, आप स्पेंड कर सकते हैं, पर एक एडवांटेज आपको और साथ में दे रहा हूँ, क्योंकि अगर सिर्फ MMC है तो आप सिर्फ रोम स्पेंड कर सकते हैं 16 से 32 कर सकते हैं, पर ये अगर MMCP भी है तो रोम के साथ में रैम भी आपका स्पेंड हो जाएगा, मतलब 4 GB का रैम 8 GB भी हो सकता है, 6 GB भी हो सकता है, बट शर्त ये है कि आपकी कंडीशन कि वो मार्केट में उसकी कंपेटिबिलिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं भी मिल रही है, आपने कोई सी भी किसी भी दूसरे थर्ड मोबाइल की उठा के लगा दी, भाई वो मोबाइल मार्केट में 6 GB का आना भी चाहिए, मतलब उसका एक वेरियंट 6 GB भी होना चाहिए, अगर 4 है तो 6 होगा तो ही वो आप 6 कर पाएंगे, आप किसी भी 4 को 6 नहीं कर पाएंगे जब तक एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में ये प्रूफ ना हो या कहीं पे भी कि हाँ भाई इसको 6 ये बेसिकली बनाया है कि नहीं बनाया है। क्या तो ये चीज़ सब दोनों स्पेंड हो सकते हैं, बट यहाँ पे आपकी रैम के साथ रोम के साथ रैम भी हो जाएगा, पर यहाँ पे केवल रोम होगा। अब तीसरी बात करते हैं किससे डाटा निकल सकता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आईफोन की, क्या आप आईफोन से नैंड को निकाल के उसके प्रोग्रामर में, प्रोग्रामर टूल भी बताता हूँ, सबसे पहले प्रोग्रामर टूल की बात कर लेता हूँ, क्योंकि हमें अगर हम बात करें दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट कि क्या हम उसको डाटा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ आईफोन में, आईफोन में नैंड की बात करूँ तो दोस्तों नैंड में बेसिकली आप ये सोचेंगे कि मैं नैंड को निकाल के उसके प्रोग्रामर टूल में लगाऊँ, उसे डाटा मैं बाहर निकालूँ, कस्टमर को फोटो और वीडियो दे दूँ, तो ये आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली एक बूट फाइल होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। अगर मैं आपको बात करूं, वो एक इंक्रिप्टेड डाटा है, उसको हम रीड भी नहीं कर सकते, मतलब आप रीड करना चाहो तो भी ना कर पाओगे, तो रीड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको आईफोन में आपका आईफोन टूटा हुआ है या कहीं से ब्रोक है या आपको लगता है इसको डाटा चाहिए, तो आपको उसकी डाटा रिकवरी आईफोन के आपको स्वैपिंग करवाना पड़ेगा आपका फ़ोन, मतलब एक फ्रेश बूट लेके आपको इसके बहुत सारे ICs बहुत सारे, इसलिए क्योंकि इसमें CPU के साथ BB CPU, लॉजिक EEPROM, फिर BB EEPROM, उसके बाद में NFC IC, फिर वाईफाई को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा, तो ये सारी ICO के साथ आपको कंपेटिबिलिटी, मतलब ये सारी ICO उठाकर आपको एक नए फ्रेश बोर्ड में लगानी पड़ेगी, तो तब जाके आपका फोन एक चालू हो जाएगा, क्योंकि अगर ICO में फॉल्ट नहीं है, फोन मदरबोर्ड में फॉल्ट है, PCB में फॉल्ट है, PCB टूटा हुआ है, मोड़ा हुआ है, स्क्रेचेबल है, अगर ICO में फॉल्ट हुआ, अगर CPU डैमेज हुआ, अगर आपका फोन का, दोस्तों एक बात समझ लो, अगर आपके फोन का CPU डैमेज है तो उस फोन का डाटा कभी नहीं निकल सकता। अगर आपके फ़ोन का CPU ये डैमेज है या BB CPU, अगर आपके फ़ोन का CPU डैमेज है तो उस फ़ोन का डाटा कभी नहीं निकल सकता, आईफोन की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर ये सारी ऐसे सही है, CPU, BB CPU, EEPROM, क्योंकि बेसिकली वो भी ये उसके अंदर भी आपके फिंगरप्रिंट और बहुत सारे डाटा होते हैं, तो वो भी सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। BB EEPROM लॉजिक, ये लॉजिक EEPROMs होती हैं, BB EEPROM बेसिकली आपकी नेटवर्क के लिए होती हैं, अगर आपको नेटवर्क चाहिए नहीं, डाटा चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और NFC IC लगाना होता है, और NFC एक नहीं लगाओगे तो एक एरर्स आ जाते हैं, और साथ में वाईफाई मॉड्यूल को अनलॉक करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आपको करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अगर ये आईसी ब्रोक है तो आप अपना डाटा स्वैपिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो दिमाग में बिठा लो कि आपके आईफोन में ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें आईफोन को टच करो और डेड फोन से डाटा निकाल लो, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना नहीं, क्योंकि उसका जो सॉफ्टवेयर होता है, उसकी जो फाइलें होती है वो इंक्रिप्टेड है, इंक्रिप्टेड मतलब जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, जो लॉक होती है। सेम ऐसे ही पहले क्या होता था कि एंड्रॉयड में ना पुराने जो फ़ोन होते थे उनका जो डाटा होता था वो इंक्रिप्टेड नहीं होती थी, सो आप उसको UEFI हो गया, JTAG हो गया, बहुत सारे टूल्स अब तो मार्केट में भी टेस्टर फलाने का बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं, तो आप उनसे उनको आप आसानी से इंक्रिप्ट कर सकते, आप उनको आसानी से उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं, सो उनसे आसानी से आप उस फाइलों को निकाल के मीडिया निकाल सकते हैं, आपकी फ़ोटोज़ फाइल सब निकाल सकते हैं, बट अभी के जनरेशन के आने वाले फ़ोन्स का जो फाइल होता है वो इंक्रिप्टेड होता है, तो उसको भी आप रीड नहीं कर पाते हैं। हाँ,
आप उसको रीड नहीं कर सकते हैं, उसमें भी स्वैपिंग होती है, बट यहाँ पे इतनी सारी ऐसी होगी स्वैपिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर एंड्रॉइड में अगर आपको कोई डाटा बचाना है या एंड्रॉइड में आप चाहते हैं टूटे बोर्ड का डाटा निकालना, तो पहली बात अगर बोर्ड टूटा है तो दो आईसीएस सही होना चाहिए, एक सीपीयू और एक एमएमसी या एमएमसीपी या यूएफएस। अगर ये दोनों आईसीएस सही है तो इसको फ्रेश बोर्ड में लगाकर चालू किया जा सकता है, उसका डाटा रिकवर किया जा सकता है। तो आपको ये बात समझ में होगी कि डाटा रिकवरी क्या होती है। मैं इसके लिए एक स्पेसिफाइड वीडियो जरूर बनाऊंगा ताकि आपको बहुत डिटेलिंग में समझा सको। आप क्लास में आएंगे तो आपको ये सारी चीजें तो एंड्रॉइड में प्रैक्टिकली करवाएंगे। तो दोस्तों अगला पॉइंट आते हैं कौन कौन से टूल्स लगते हैं। देखो नैंड में जो टूल्स होते हैं, जनरली फ्लैशिंग की बात करूँ तो 3U टूल, iTunes, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोग्रामर की बात करूँ तो WL है आपका, आपका WL के बाद में आपका JC Pro है और बहुत सारे टूल्स हैं इसके अंदर, आपके आई रिपेयर्स आ गए हैं। तो ये जो टूल्स है बेसिकली ये आईफोन्स में आते हैं, मैजिको बॉक्स आ गया। मैं तो पर्सनली ये सारे टूल्स यूज़ करता हूँ और इन्हीं से पढ़ाता हूँ, तो ये सारे टूल्स हम रिपेयरिंग में यूज़ कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं जिसको आप। और यहाँ पर अगर मैं एंड्रॉयड की बात करूँ तो सबसे बड़ा जो टूल है UFI है, JTAG है, उसके ऊपर मेड्यूसा प्रो है, फिर MEP टेस्टर है, और भी बहुत सारे टूल्स इसमें आ चुके हैं। तो ये सारे टूल्स होते हैं मार्केट में, इनकी काफ़ी अच्छी हद प्राइस होती है। तो मैं इसलिए स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप लोग फीस तो जुटा लेते हैं पर आपका टूल का पैसा नहीं जुटाएंगे, तो जो सीख के जा रहे हैं उसको प्रैक्टिस क्या करेंगे, किस में करेंगे, तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा। अब अगली बात करते हैं यहाँ पर, अब अगली और एक थोड़ी लास्ट बात करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगली बात करते हैं दोस्तों फाइलों की, कि कौन कौन सी फाइलें होती हैं, छोटी सी ये भी समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर आईफोन में, तो यार सिंपल एक बूट फाइल होती है, उसको रीड कर लो, उसको राइट कर लो, रीड राइट का ये ऑप्शन है। अगर एरर्स आ रहे हैं तो फॉर्मेट करके फिर से पहले रीड कर लो, उसके बाद भी उसको एरेस्ट कीजिए, उसका जो भी फॉर्मेट है मतलब जो भी उसके बक्स है या तो बाद वाले बैड चैप्टर्स है जो भी सब निकल जाएंगे, उसको वापस राइट कर दो, रीस्टोर कर दो, और आपका फ़ोन आपके DFU मोड पर आ जाएगा। आसानी से पूरा फ्लैशिंग करो, आपका फ़ोन चालू हो जाएगा। बट आपके मैक एड्रेस जो होता है वो डला होना चाहिए, सही होना चाहिए। मैक एड्रेस के अंदर होता है सीरियल नंबर, वाईफाई, ब्लूटूथ का नंबर, नहीं तो इसमें इशू आ सकते हैं। फ़ोन में चालू होने के बाद में आपका फ़ोन लोगो, आपका फ़ोन होम स्क्रीन पे नहीं आएगा, या तो आपका फ़ोन जैसे iCloud लगा हो तो ID पे नहीं आएगा, ये फ़ोन एक एड्रेस में आ जाएगा अपडेट फेलियर्स पे। सो ये चीज़ें जानना आपका बहुत जरूरी होता है कि आपके आईफोन के अंदर नैंड के मैं जो बूट फाइल आप निकालते हैं, उस बूट फाइल में बेसिकली जो आपके फ़ोन को DFU मोड पे तो ला ही रही है ऑब्वियस है, उसके साथ में आपके फ़ोन को फ्लैश करना है, क्योंकि बूट फाइल जो एक टेबल की तरह है। अगर आप फ्लैश किस में करेंगे आप ये बताइए, तो आपको टेबल एक कंटेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब उसके अंदर सीरियल नंबर, मैं आपका ब्लूटूथ नंबर, वाईफाई मिला के मैक एड्रेस बनता है। अब आपका सवाल ये होगा कि अगर सर मेरा एक आईफोन का आपका नैंड अगर डैमेज है तो क्या करें, तो बिल्कुल आप सेम कंपेटेबिलिटी नैंड को लेकर दूसरे सेम आईफोन या जो कंपेटेबिलिटी आईफोन है उसका बूट को भी आप लेकर चढ़ा सकते हैं। और उसके जो प्रोसीजर है वो सारी प्रोसीजर मैं आपको अभी नहीं बता सकता, यही बोला मैंने प्रैक्टिकली आप आओगे तो बहुत अच्छे से सीखोगे, तो कर सकते हैं, कोई नहीं, यहाँ पर कोई इतना नहीं है। आपको यहाँ पर कोई गूगल पे जाकर कोई आपको फाइलें वाइलें की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ईजिली आपका फ़ोन चालू भी हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और हर चीज़ चलेगी। बट ये चीज़ इतनी इजी नहीं है एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड में पूरी प्रोग्रामिंग का दोस्तों एक कोर्स होता है जिसको MMC कोर्स बोलते हैं। MMC कोर्स के अंदर आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। अगर मैं बात करूँ MMC में, अगर UFI की बात करूँ तो सब चीज़, ये जो जनरल पार्टीशन टेबल्स होती है, इसके अंदर आपकी सिस्टम फाइल है, सिक्योरिटी फाइल है और तमाम फाइलें होती हैं। जब भी आप UFI में या JTAG में अपने हार्ड डिस्क या MMC, जिसको हम MMC बोल सकते हैं, हार्ड डिस्क तो नैंड को बोलते हैं, MMC को या MMCP या UFS को, UFS में अलग फाइलें होती है, उसको समझाने के लिए अलग ही वीडियो बनाऊंगा। अभी सिर्फ MMC और MMC को ले लेता हूं। अगर आप MMC और MMCP को कनेक्ट करते हैं, MMC और MMCP को ले लेता हूं, अगर आप MMC को कनेक्ट करते हैं, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको इन फाइलों का नॉलेज होना चाहिए। जब भी आप किसी ऐसी आपकी जैसे जब भी आप किसी MMC या MMCP को कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले EST CSD रन होते हैं, क्योंकि ये फाइल क्या है, ये फाइल आपको ये बताएगी कि आप किस CPU के लिए प्रोग्राम करना चाहते हो, कौन सा CPU आपका प्रोग्रामेबल है, मतलब आप कौन सा CPU उठा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल MediaTek है, तो आप उसकी ESD CSD फाइल वो बनाएगी, कॉलकम की अलग बनाएगी। आप कॉलकम की MediaTek में नहीं डाल सकते, ना ही MediaTek की कॉलकम में चढ़ा सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, अगर आप गलत डालेंगे या ये नहीं डालते हैं, तो आपका फ़ोन किसी भी प्रकार से आपका डिटेक्शन नहीं करेगा आपके PC के साथ में, फिर आप फ्लैशिंग ही नहीं कर पाएंगे, आप कनेक्शन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका बूट ही डेड हो चुका है।
सो ये समझिए। और सेकंड फाइल है रूम वन रूम टू, जिसको हम बूट वन बूट टू कहते हैं। इसके अंदर आपका लोगोस जो आपके सेट लोगो पर आता है, और उसके बाद में यूज़र एरिया, जो बेसिकली मैंने जैसे बताया यूज़र एरिया में बहुत सारी चीज़ होती है। और अगर आप इसको 16 MB से लेकर आप अपने जितना भी 32 का है तो 32 का भी बना सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत है वो पार्टीशंस उसको हटाकर, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली मैं पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं एक फॉर्मली बता रहा हूँ। उसको इंक्रिप्टेड होती है वो फाइल, आप उसको रीड नहीं कर सकते, उसके अंदर के मीडिया नहीं निकाल सकते आज की डेट के फाइलों का, ठीक है। तो इसकी मैं बहुत सारी डिटेलिंग है, इसमें डंप बनाना पड़ता है, इसमें सिक्योरिटी फाइल लेना पड़ता है, या पूरा डंप बना लो तो फुल डंप बना लो तो सारी सिक्योरिटी आ जाए, तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी की डेट में बहुत सारे साइट MMC से फॉल्ट आते हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। MMC की हेल्थ का इशू होता है, उसके अंदर जो आपकी हेल्थ कंज्यूम, जैसे हेल्थ भी बढ़ती जाती है वैसे ही आपके हार्ड डिस्क, ये जो प्रोग्रामर चिप होती है इनकी भी हेल्थ होती है, इसलिए हार्ड डिस्क बहुत जल्दी ख़राब होती है। सेट लोगों पर आना या फ्लैशिंग के टाइम पे स्लो फ्लैश करना है या बार बार फ्लैश करना है या मोबाइल हैंग करना है या स्लो करना है, किसी भी प्रकार का एरर। तो दोस्तों ये सारे जो आपने समझा कि एक आईफोन और एक एंड्रॉयड में क्या होता है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर मैंने बहुत तेज़ बोला है या आपको बताया है तो ये आप वीडियो बार बार देख सकते हैं, कोई नहीं, नॉलेज बहुत अच्छी दी है और इम्पोर्टेंट ये है। मुझे नहीं लगता है कि YouTube में ऐसा कोई दूसरा वीडियो अब तक बना है। एक पहला वीडियो है जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बताया है कि आपका NAND होता है iPhone में और MMC, MMCP और UFS होता है Android में। हम दोनों को स्पेंड कर सकते हैं, बट इसको हम RAM भी स्पेंड कर सकते हैं, या ROM ही स्पेंड होगी खाली आईफोन में, और एंड्रॉयड में RAM और ROM दोनों स्पेंड हो सकती है, पर कंपेटिबिलिटी ऐसी मिलना चाहिए। और दूसरी बहुत सारी बात बताई कि हम अगर नेट से डाटा नहीं निकाल सकते, अगर उसको डाटा निकालना है, क्योंकि इसके अंदर खाली बूट फाइल होती है SEL मैक एड्रेस, तो इसके अंदर डाटा निकालना तो स्वैपिंग करनी पड़ेगी। सेम इस केस में भी आप भी आज के जितने भी फ़ोन हैं, अगर डाटा निकालना तो स्वैपिंग ही करनी पड़ेगी। पर यहाँ पर CPU MMC है, यहाँ पर CPU BB CPU, आपकी APROMS ICs हैं और NFC, और अगर पूरा सेट चालू करना तो ये सारी ICs को आपको स्वैप करना पड़ेगा। और मैंने बताया टाइप, मैंने बताया फुल फॉर्म, मैंने बताया ईच एंड एवरीथिंग। कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर, और लाइक सब्सक्राइब और इस वीडियो को दोस्तों प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी डिटेलिंग दी है यार, बहुत सारे भाइयों का फ़ायदा हो जाएगा, बहुत सारे नए बेचारे जो स्टूडेंट हैं जो जानकारी लेना चाहते हैं, जुटाना चाहते हैं, जिनको नहीं मिल पा रहा है कहीं यूट्यूब में ज्ञान, उनको ये वीडियो से बहुत सारा ज्ञान मिलेगा कि आखिर में ये MMC क्या है यार, MMC क्या होती है, ये कि हम अपने फ़ोन का डाटा निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते, हम अपना आईफोन का डाटा कैसे निकालें, हमें एंड्रॉयड का डाटा कैसे निकालें, क्या पॉसिबल है या नहीं, क्या पता किसी भाई ने ये किसी दुकान वाले को दिया, वो घुमा रहा है उसे पैसे ले रहा है और कुछ आगे हुआ नहीं। सो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए और आप जैसे भाइयों के लिए, जो उसको शेयर करो और लाइक जरूर करते रहे। थैंक यू वेरी मच। अगर इस एडल को हमको ज्वाइन करना है तो आज ही नंबर घुमाइए, और अपना सुनहरा भव्य से बोलता है, जैसे एक डायलॉग जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे एक जो कहावत है, जैसे एक जो शब्द है, एक जो लाइन है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वो है कि एक कोर्स जो जिंदगी बदल दे। दोस्तों सच बता रहा हूँ, आप ज्वाइन करना, तीसरे दिन में ही पूछूंगा कि वाकई में बदली कहीं बदली, सिर्फ तीसरे दिन में। थैंक यू वेरी मच। Thank you.
जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख, जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख, जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। मिस्टर, अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपो निकालने वाले हैं?